सिंध में लॉकडाउन के बाद हर तरफ राशन की तकसीम का शोर है। मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने में फलाही इदारों और हुकूमत सिंध को किन अनासिर की वजह से परेशानियों का सामना है, आइए आपको बताते हैं। खुदाई का काम कर लोगे? खुदाई के लिए गहती चाहिए, गहती नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बीज है। तो इससे क्या होगा? इससे तो मिट्टी निकालनी पड़ेगी बस। यही कर सकते हो सर? कोई राशन वाशन है तो दिलवा दो। हैं? राशन वाशन है तो दिलवा दो। तो तुम्हारे लिए तो मैं काम लेकर आया हूँ। चलो काम, आप काम बता दें, सुबह से आ जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह से क्यों आओगे? अभी चलो। किचन की साइड की एक वो एक तोड़नी है दीवार। तोड़ देंगे। थोड़ा है? हथौड़ा तो आपके पास होगा ना? मेरे पास क्या? लाना पड़ेगा सर, घर से लाना पड़ेगा। तो यार आप तो मजदूर बैठे हुए हैं। नहीं तो जो मजदूर हो तो वो औजार तो होने चाहिए ना आपके पास जब बैठे हुए। सर राशन वाशन के लिए बैठे हैं गरीब बंदे, क्या करें, 10-12 दिन से काम बंद है, परेशान है। तो राशन के लिए बैठे हुए तो फिर ये औजार नहीं रखो ना अपने साथ, की बंदा जो है वो दूसरा समझे कि ये मजदूर है। औजार क्यों रखे हुए आपने अपने साथ? सामान ना रखो ना। फिर क्या सामान है? तो फिर ये क्यों? तो फायदा फिर ऐसे लेके बैठे हुए हो? खुदाई नहीं कर सकते हो तो पूरा सामान नहीं। क्या कर सकते हो? प्लास्टर कर सकते हो? प्लास्टर का भी सामान कम है यार। तो सारी चीजें तो हैं, ये सब रखा हुआ तो है प्लास्टर का? नहीं नहीं, ये प्लास्टर का तो है, ये एल्युमिनियम का जो रखा हुआ है। जी जी जी। तो फिर पूरा ना क्यों नहीं कर रहे हो प्लास्टर? कटाई का क्या मसला है? कटाई का यानी कि दीवार को छिलनी। तो चलो बैठो गाड़ी के अंदर, चलो कहां पे? पीछे है शारे फैसल पे है भाई। तो आप तो भाई आ जाए तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे हो इस तरीके से? बहुत परेशान है साहब, बहुत मुश्किल। तो फिर यहाँ बैठ के आप क्या करोगे? अल्लाह वाला आ जाएगा बॉस, अल्लाह पाक निजाम बनाता है जो है ना। हाथों में औजार लेकिन काम करने को नहीं है तैयार, ऐसे मौका परस्तों की वजह से ही असल मजदूर और दीगर मुस्तहकीन तक उनका हक नहीं पहुंच पाता है। कैमरामैन शकील खान के साथ मोहम्मद अशद, दुनिया न्यूज़, कराची।